अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है। इसको मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है। इसमें मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों फटाफट तरीके से दिखाऊंगी। तो उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में रखा है और 9.5 इंच मैं इसकी बेल्ट कट कर रही हूँ। आपको इस कपड़े को चौड़ाई में रखना है जिस तरह से मैंने रखा है। हमें इन निशानों को आपस में इस पटरी की मदद से मिला देंगे। फ्रेंड, जब तक मैं निस्तरा कपड़ा कट कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप करने का मौका नहीं दूंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी बेल्ट भी कट हो चुकी है। इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। जो इसकी लेंथ है वो है 35 इंच। तो आपकी बेल्ट की नीचे से मोड़ी तक अपना कपड़ा नाप लें, फिर आपको जितनी भी इंच की मोड़ी बनानी है 2 इंच उसमें ऐड करके 1 इंच ऊपर की सिलाई के लिए 1 इंच लेके, उसके बाद आप जितना भी इंच का आपका कपड़ा है फिर उतना आप को इस तरह से निशान लगाना है। तो इसमें मैं 2.5 इंच की मोड़ी बनाऊंगी। बेल्ट की जहाँ से चुन पड़ता है वहाँ से मोड़ी तक मेरा कपड़ा था 31 इंच। तो इसमें मैंने 2.5 इंच की मोड़ी ऐड कर रही हूँ और 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए, तो मैंने इसको 35 इंच पे लिया है। तो ये हमारा कुंदा है जो है 6.5 इंच। तो इस तरह से आप या निशान लगा लें या आप अपना कुंदा कट कर लें। तो इसमें मैं अपना कुंदा कट नहीं करूंगी, इसमें जॉइंट रहने दूंगी। तो यहाँ से हम अपनी पटरी से बिल्कुल सीधा मार्जिन कर रही हूँ जब तक। तो इस तरह से आप अपने कपड़े को अपने साइड से, ये जहाँ से ये मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे मेरा कपड़ा फोल्डेड साइड डबल फोल्ड में 2.5 इंच पर। अब इधर साइड से आपको लगानी है 2.5 इंच पर निशान। इन निशानों को आपस में आपको इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब मैं अपने कपड़े को कट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा कट हो चुका है। इस कली को आपको उठाकर कुंदे के ऊपर रख लेना है और दूसरी कली के बिल्कुल बराबर में। अब मैं आपको इसका आसन कट करके दिखाऊंगी। आसन जो मैं कट कर रही हूँ 9.5 इंच का, ये फटाफट अंदाज में आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी और बहुत आसान तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा। तो आसन कट करने का बहुत आसान और सिंपल तरीका है, आप इस तरह से कट कर लें। तो ये हमारा आसन बहुत आसान तरीके से कट हो चुका है। ये जो फोल्डेड कपड़ा एक साइड पे आएगा और आपकी दो कली खुली हुई होगी और जो बंद है उसको मैं अलग कर लूँगी इस तरह से। तो बेल्ट और कली, कुंदा और आसन सब कट हो चुका है। अब मैं आपको मशीन पर आ गई हूँ और फटाफट तरीके से मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। इसमें मैं एक अपनी छोटी कली लूँगी और दूसरी कली जो होगी जिसमें इसका कुंदा भी जॉइंट है वो लूँगी। आप कभी भी ये गलती ना करें, एक कुंदे वाली बड़ी कली लेनी है आपको, एक छोटी। आप सोचते हैं तो आप अपना कुंदा अलग करके आप कर सकते हो, आपकी सिलाई वेस्ट होगी, तो इसलिए मैंने इसको अलग नहीं किया है। ये मैं अपनी सिलाई कर रही हूँ, दोनों कली को आपस में जॉइंट कर रही हूँ। ये हमारी मोड़ी की साइड पर आके कट हो चुकी है। अब मैं इसमें अपना आसन लगाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड पर आपको इस तरह से आसन को जो पतला वाला हिस्सा है उसको आपको ऊपर रखना है और जो चौड़ा वाला है उसको आपको नीचे रखना है। और हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है फ्रेंड कि आप आसन पे हमेशा 2 सिलाई लगाएं। तो इस तरह से अब मैं दूसरा आसन भी लगा रही हूँ फटाफट तरीके से।
इस पर भी हमें दो सिलाई लगानी है। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये बीच में इसका कुंदा जो आपको निशान दिख रहा है, किनारे किनारे इसकी दोनों कली हैं जो ज्वाइंट हो चुकी हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है। तो इस तरह से हम इन दोनों का आपस में, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक ही साइड पर आपकी छोटी वाली कली होनी चाहिए और दूसरी वाली कली जो कुंदे के साथ है अटैच है वो भी एक साइड पर आनी चाहिए, वरना आपके आगे पीछे छोटी बड़ी कली हो जाएगी। तो इसमें हम दूसरी कली को भी इस तरह से उसी आसन में ज्वाइंट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें चुन आएगी और बेल्ट आएगी, जो मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में दिखाऊंगी फटाफट तरीके से। ये एक आसन तो हमारा एक साइड पे ज्वाइंट हो चुका है। अब दूसरी वाली आसन को भी मैं इस पर इस तरह से ज्वाइंट करूंगी इस कली के साथ में। गाइस, अगर आपको इस सिलाई और कटिंग में जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ये हमारी बेल्ट है तो हमें बेल्ट 24 इंच रखनी है। तो जो ये मेरा कपड़ा था वो 22 इंच का था, इसलिए इसमें मैंने एक जोड़ लगाया है। अगर आपको भी उतना चाहिए तो आप जोड़ लगा सकते हैं, वरना आप अपने अकॉर्डिंग बेल्ट नाप करके कर सकते हैं ज़्यादा या कम। हर लोग के बेल्ट की साइज एक नहीं होती है। ये 1.5 इंच पर मैं सिलाई कर रही हूँ। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। तो हमारी डबल सिलाई हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से बीच से खोल कर और हल्का हल्का अंदर की साइड कपड़ा लेते हुए सिलाई करना है। यहाँ से हम अपने कपड़े को घुमा लेंगे। ये सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से मैं अपना नेफा फोल्ड करूँगी। आप इसमें इलास्टिक या नाड़ा भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप 1/2 इंच कपड़ा अंदर की साइड लेते हुए ये सिलाई लगा लें। तो इस तरह से आपकी बेल्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। ये जहाँ से हमने ये बीच में मैं एक कट लगा रही हूँ और अपनी बेल्ट को अब बिल्कुल उस कट के साथ मिलाकर सीधा रखना है। यहाँ से जो मैंने 2 सिलाई लगाई थी यहाँ से मेरा नेफा खुलेगा। ये पीछे की साइड जो बड़ी वाली जिसमें कुंदा अटैच है, बड़ी वाली कली है, वहाँ पर आपको 2-2 चुन साइड में लगानी है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये आपको बेल्ट बिल्कुल सीधी करते हुए अंदर की साइड ये मैंने सिलाई लगा लिया है। और यहाँ से ये इसका सेंटर है दूसरी आसन का। ये हमने बेल्ट को बीच में रखा है। इस तरह से मैं अपनी बेल्ट को आसन को पकड़कर यहाँ से जितनी भी हमारी प्लेटें आएंगी उतनी में प्लेटें डालेंगे, जो हमारी बेल्ट और कली का कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो उसको मैं सिल लूँगी। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी, वीडियो में बने रहिए। जिस साइड में बैठी हूँ उसी साइड पे मैं इस तरह से अपनी सलवार का चुन दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2-3 चुन बना ली थी।
आप भी 2-3 चुन बना लें फिर सिलाई लगाएं, बहुत आसान हो जाएगा, आपको जल्दी भी होगा। तो इस तरह से ये हमारी सलवार की प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब यहाँ से ये हमारी बेल्ट और जो कली कुंदा था वो बिल्कुल बराबर आ चुका है। ये अब मैं सिलाई करते हुए पीछे की साइड पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने दो दो चुन लगाई थी। इस तरह से ये इसका सामने वाला आसन, ये पीछे का, पीछे दो चुन पड़ी हैं, दो दो प्लेटें, और सामने आपकी जितनी भी आए। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पर चुन लगा लिया फ्रेंड, और जो हमारी बेल्ट अंदर में रख कर सिलाई लगाई वो मेरी बेल्ट सीधी थी, अब इस तरह से निकालने के बाद बाहर उल्टी आई है। तो ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये पूरी सलवार की जो लेंथ है हमें 2.5 इंच का हम अपना मोहरी बनाऊंगी, 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड होगा। तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े को पहले 1/2 इंच कपड़ा लेकर फोल्ड किया, फिर इस तरह से बकरम के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके अब मैं इस पर डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह से हमारी मोड़ी तैयार हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकती हैं, अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगे तो आप ये भी बना सकती हैं। तो इस तरह से हमने अपने बकरम को इस तरह से अंदाज के उसी के ऊपर ये सिलाई लगाई है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी मोड़ी बनकर तैयार हो रही है। अब यहाँ से हम थोड़ी इस तरह से डिजाइन डालेंगे। आपको मोड़ी को इस तरह से घुमा देना है। सिक्स इंच में इसकी मोड़ी रख रही हूँ। अब मैं इसकी फिटिंग लगा रही हूँ। आपको कपड़े को ज़्यादा हीच कर फिटिंग नहीं लगानी है सलवार की। तो इस तरह से ये मेरी सिलाई आसन तक लग चुकी है। तो मेरा दोनों आसन बिल्कुल बराबर आ रहा है, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हम दूसरी मोड़ी तक सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाना है आपको। ये हमारी सलवार रेडी हो चुकी है 2.5 मीटर में, बिल्कुल घेरदार इसकी मोड़ी।